अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर खंड विकास अधिकारी श्वेता डोगरा के द्वारा महिलाओं को शुभकामनाएं संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि आज समाज महिलाओं को बोलने और घूमने फिरने की आजादी देने वाला है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रसर हैं, जिसके लिए सरकार के द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं महिलाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर तहसील प्रांगण में अपने द्वारा बनाई गई गुड़िया भी बेची गई, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की पहचान बनाना था। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर ही सम्मान नहीं देना चाहिए, बल्कि हर रोज महिलाओं को सम्मान देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पंचायतों में महिलाओं ने कार्यक्रम आयोजित करके महिला दिवस मनाया है और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं तथा अभिनंदन। आज के दिन को महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जाता है। महिला सशक्तिकरण से हम ये समझते हैं कि ऐसी महिला जो अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय स्वयं ले सके। आज 21वीं सदी में महिलाएं इस परिभाषा को पूर्ण रूप से चरितार्थ कर रही हैं। आज महिला केवल घर में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पूरी पूरी भागीदारी दे रही है। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ पर महिलाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है। आज खंड स्तर पर भी हमने जो हमारी पंचायतों की महिलाएं हैं, उन्होंने जो उत्पाद बनाए हैं, उन सब उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। हमारे ग्राम पंचायत में भी इस महिला दिवस को मनाया जा रहा है। हमारे पंचायत घरों में वहाँ की जो भी महिला मंडल हैं, उनकी महिलाएं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं मौजूद हैं तथा अपने विचारों का आदान प्रदान कर रही हैं। आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर महिला में उस शक्ति का प्रवाह हमेशा रहना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले तथा अपने परिवार तथा समाज के विकास में अपना पूरा पूरा योगदान दे सके। मेरा आप सबसे एक विनम्र आग्रह ये भी रहेगा कि हमें सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि हर दिन को एक महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हर दिन हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए ताकि वो राष्ट्र के विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। अंत में मेरी तरफ से समस्त महिला शक्ति को शुभकामनाएं।